द फर्स्ट क्लास ऑन फोक डांसेस ऑफ इंडिया आज के क्लास में हम आप लोग तो के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फोक डांस तो अगर आपको सबसे पहले सवाल का जवाब यहाँ पे पता है तो फिर आप बताइए ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया कि माधुरी दीक्षित तो हर फॉर्म ऑफ डांस को डांस करती है बट माधुरी दीक्षित इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन डांस फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करके बहुत सारे फोक डांसेस को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब यहाँ से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं ओके सो आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स सेशन को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग यहाँ पे लाइव आ जाए और वेरी गुड ऑल गुड ओके सो लेट अस बिगिन दीज क्लासेस आर योर यूट्यूब सेशन और ये यूट्यूब सेशन हर सुबह टेन एम को आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है तो आप लोग टेन एम को ज़रूर यहाँ पर आ जाइए और स्पेशल क्लासेस आप सभी लोग अटेंड कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस हर वेडनेस डे टेन एम को और साथ ही साथ अगर आप लोग प्लस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो प्लस पे एसएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए सभी सब्जेक्ट्स सभी फैकल्टीज और एस एस सी जी एल सी एच एस एल सभी एग्जाम्स को पढ़ने के लिए आप वन सिंगल सब्सक्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ठीके? उसके लिए एक कोड होता है मेरा कोड है ए एन टी ए आर ए वन जीरो जिससे आपको एक टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा तो ये हो गए यूट्यूब सेशन टेन ए एम स्पेशल क्लासेस वेडनेसडे टेन ए एम और प्लस क्लासेस डेली आर 8 I am am I taking plus class. batch start That will be at 6 pm to 7 pm. आई एम टेकिंग सभी फैकल्टीज का आप क्लासेस यहाँ पे अटेंड कर सकते सो गुड मॉर्निंग वन सेकेंड टू यू एंड आई कैन सी अबाउट PDF ऑल्सो लेट मी टेल यू PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे अनकेडमी के, के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा सबसे पहला सही जवाब यहाँ पे स्नेहा राज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड कर्मेंद्र बिल्कुल सही जवाब एंड आई कैन सी संजीव हैज हैज्सो संजीव हैज्सो गिवन करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर हियर इज कथक सो माधुरी दीक्षित इज एसोसिएटेड विच विच इंडियन डांस फॉर्म ये एस एस सी का टू थाउजेंड सेवेंटीन का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका क्या था नंबर थ्री दैट इज कथक ठीक है सबसे पहले एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि कथक जो है वो एक क्लासिकल डांस है ठीक है तो कौन कौन से क्लासिकल डांस है पहले हम वो देखेंगे और फिर हम लोग फोक डांस देखेंगे बट फर्स्ट लेट अस लुक इन टू द क्वेश्चन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि पढ़ाई आसान बन जाए कहाँ पे फोकस करना है ये आपको पता चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रुक्मिनी देवी अरुणाडिल मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और किस डांस के साथ वो लोग एसोसिएटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुक्मिनी देवी अरुणाडिल वॉज अ रेप्यूटेड डांसर एंड कोरियोग्राफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसिंग सबसे पहले आपको सबसे पहला सही जवाब कौन यहाँ पे देगा निर्मल मिश्रा बिल्कुल एक क्लासिकल डांसर्स देखेंगे अभी उसको रुक्मिणी देवी अरुणादिल क्या ओपरा सा तो हो ही नहीं सकता लावणी है क्या भारत है क्या अगेन संजीत एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विनोद कुमार करेक्ट आंसर भारत नाट्यम भारतनाट्यम इज क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु देखिए तमिलनाडु साउथ इंडिया तमिलनाडु अगेन यहाँ पे क्या होगा कि भारत नाम से जो डांस होगा है ना भारत नाम से जो डांस होगा वो हमें चाहिए तो भारत ठीक है इस तरीके से एक नाम तो एटलीस्ट याद हो गया ऑल द एट यू विल रिमेंबर एंड फोक डांस इज़ ऑल्सो यू विल रिमेंबर डांडिया ये एक फोक डांस है ठीक है ये एक फोक डांस है मतलब क्या नजर आया जो एकदम शांत तरीके से डांस हो रहा है एकदम क्लासिकल तरीके से डांस हो रहा है वो क्लासिकल हुआ और डांडिया फेस्टिवल रिलेटेड डांस हो गया फोक रिलेटेड डांस हो गया तो फोक डांस हो गया ठीक है इसके अलावा और कुछ है क्या हाँ बात करेंगे पहले देख लेते हैं डांडिया इज़ द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट करेक्ट आंसर थैंक यू सो मच क्लैश वॉरियर थैंक यू सो मच एंड यू टू हैव अ गुड मॉर्निंग गुजरात इज द करेक्ट आंसर दांडिया इज फ्रॉम गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लावणी लावणी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट इन इंडिया कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है लावणी कथक शयारी दास कथक इज फॉर एंटायर नॉर्थ इंडिया फिर भी अगर आपको एक स्टेट चाहिए देन इट इज योर उत्तर प्रदेश ओके उत्तर प्रदेश गुजरात वेरी गुड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा लावणी कहाँ का है लावणी है आपका महाराष्ट्र का डांस फॉर्म लावणी इज अ डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट आइए नॉट सो कॉमन क्वेश्चन मैं एग्जाम में बोलते हैं ना कि ये डांस पूछ लिया पता नहीं कभी सुना भी नहीं था तो आते नॉट सो कॉमन ये सभी पूछे गए हुए क्वेश्चन है कुड इज दोक डांस ऑफ विथ स्टेट हाउ मेनी ऑफ यू नो कुड कहाँ से है केरला नंबर ऑफ़ व्यूज से अगर फर्क पड़ता ना तो टिकटॉक पे जो है लोग वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं ना कि यूट्यूब पे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस चलो आगे बढ़ते हैं कुड इज द फोक डांस ऑफ केरला है आंध्र प्रदेश है जम्मू कश्मीर है कि महाराष्ट्र है आई कैन सी निर्मल एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर कुड इज़ द फोक डांस ऑफ योर जम्मू एंड कश्मीर ये जम्मू एंड कश्मीर का डांस फॉर्म है सो थ्री इज़ द करेक्ट आंसर हियर आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ केरला कौन सा केरला का फोक डांस नहीं है ये पूछा है ठीक है कौन सा केरला का फोक डांस नहीं है कथकली थुल्लल कैकोट्टिकली या फिर चिप्पाली नाउ आउट ऑफ दिस कथकली इज दी कथकली इज दी के, के के कथकली ये क्या है ये एक आपका क्या फर्क पड़ता है एनी वेज सो दिस इज संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त बट हाउवर स्टिल ये एटलीस्ट केरला का डांस फॉर्म तो है है ना ये केरला का डांस फॉर्म तो है सो दैट इज वाई दिस इज फ्रॉम केरला नेक्स्ट देखिए इफ यू टूक इन टू थुलल ये भी है कोई कोट्टाकली ये भी है चेप्पाली इज द फोक डांस ऑफ उत्तराखंड चप्पाली उत्तराखंड का फोक डांस है तो यहाँ पे जो आपका अलग हो गया उत्तराखंड से जो आपका हो गया वो कौन सा हो गया चेप्पाली आगे देखते गौर डांस इज द फोक डांस ऑफ गौर नाम सुना है गौर हाँ, कथकली क्लासिकल है यश बिल्कुल सही लेकिन है तो आपका केरला से ही तो इसीलिए और ये बिल्कुल अलग हो गया नॉट अ फोक डांस ऑफ केरला भी तो तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 2017 में आया रीजन ओके नेक्स्ट देखिए गौर डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ गौर कहाँ का एक पॉपुलर फोक डांस है छत्तीसगढ़ की झारखंड गौर इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़ ओके सो वन इज द करेक्ट आंसर ये छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है गौर इज अ डांस फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़ नेक्स्ट आइए तेरतली तेरतली इज द फोक डांस ऑफ तेरतली कहाँ का फोक डांस है छत्तीसगढ़ का है मध्य प्रदेश का है मणिपुर का है कि कर्नाटका का है ये भी टू में पूछा गया क्वेश्चन है तेरतली इज द नहीं दिस इज द डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है तेरतली तेरतली इज द डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश ओके okay? ये देखिए इसमें पी एम टी तेरतली विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया अब कथक जो है वो आपको कैसे देखिए हम सभी याद कर लेंगे यहां पे विथ वे अ वेरी हाँ बहुत सारे डांस फॉर्म ऐसा है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा पर ये एग्जाम में पूछे गए हुए डांस फॉर्म्स है सभी जो मैंने आज कंपाइल किया है कथक कथक कहां का हो गया उत्तर प्रदेश स्लैश नॉर्थ इंडिया ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया नेक्स्ट आप बाकी कैसे याद रखेंगे भारत नाम किसे चाहिए था? तमिलनाडु को चाहिए था भारत, भारत नाम हमारे में चाहिए तो तमिलनाडु में भारत नृत्यम हो गया अब आइए कुचिपुडी और कथकली इनमें जो आपको कंफ्यूजन होगा तो यहां पे देखिए के के कथकली और के, के के ये किसके लिए ट्रिक था याद है किसी को के क्यूब इज द ट्रिक फॉर केरला बिल्कुल याद हो जाएगा क्लासिकल तो बहुत आसानी से आप अलग से याद कर लीजिए रह गया बाकी है ना के क्यूब इज फॉर केरला के 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 कथकली कहाँ पे केरला केरला द स्टेट जिसके पास दो क्लासिकल डांस फॉर्म है एक कथकली दूसरा क्या है मोहिनीअम मोहिनी अत्तम हो गया कली ने मोहलिया वॉट एवर ट्रिक यू वॉन्ट टू रिमेम्बर आप उस ट्रिक से याद रख सकते हैं बचा क्या कुचिपुडी तो कुचिपुडी किसके पास चला गया आंध्र प्रदेश तो एटलीस्ट इतना तो आई होप आपको मेरे साथ याद हो गया होगा भारत नाम तमिलनाडु को चाहिए कथक कली क्योंकि केरला के पास चला गया तो फिर यहाँ पे कली और मोहिनीअत्तम कथक उत्तर प्रदेश और कुचिपुडी जो है आंध्र प्रदेश नेक्स्ट आइए फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदू गॉड शिवा द कॉस्मिक डांसर हु परफॉर्म्स हिज डिवाइन डांस कॉल्ड तांडवा तांडवा डांस का निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म है मुरुगन, नतराजा विष्णु या फिर वेंकटेश्वर एनीबॉडी? तांडवा नटराज। सो नतराज इज द डांस फॉर्म फॉर तांडवा ठीक है शिवा का कौन सा डांस फॉर्म है नतराज नेक्स्ट में आइए गराडी गराडी इज द फोक डांस ऑफ गराडी कहाँ का फोक डांस है हर्ड अबाउट दिस ये सुना है क्या पहले गराडी सो हाउ विल यू रिमेंबर मिजोरम पुडुचेरी गुजरात की राजस्थान दिस इज द डांस फॉर्म ऑफ पुडुचेरी पुडुचेरी का डांस फॉर्म है गराड़ी एंड क्योंकि आपने यहां पुडुचेरी के बारे में ही डांस फॉर्म नहीं देखा है तो इसीलिए आपने गराडी नहीं सुना होगा ठीक है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म ऑफ पुडुचेरी ठीक है आगे बढ़ते चिड़ाव इज द डांस फॉर्म ऑफ ये मेरे ख्याल से पक्का सुना होगा चिड़ाव काफी बार ये एग्जाम में काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है चिराव इज द डांस फॉर्म ऑफ हाँ ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे कि इस स्टेट का तो नहीं होगा इस तरीके से भी आंसर तक पहुंच सकते थे चिराव ठीक है चिराव इज द डांस फॉर्म ऑफ नागालैंड मिजोरम और आपको आ, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डांस फॉर्म्स को ध्यान रखना काफी जरूरी है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मिजोरम इज द करेक्ट आंसर मदर्स एकेडमी वेरी नाइस सो ए इज द करेक्ट आंसर चिराव इज द फोक डांस ऑफ मिजोरम नेक्स्ट में आइए चांगलो इज द फोक डांस ऑफ चांगलो कहाँ का फोक डांस है चांगलो इज द फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश पंजाब असम नागालैंड सो so आई होप आप अगर पास पहुंच गए हैं तो वन और फोर के बीच में कम से कम पहुंच गए होंगे है ना एंड द आंसर हियर इज नागालैंड का फोक डांस है चांगलो ठीक है चिराव कहाँ का था चिराव मिजोरम का था चिराव मिजोरम का था और चांगलो नागालैंड का है नेक्स्ट आगे चलते हैं घुमुरा ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं घूमर और घुमूरा घूमर एक अलग डांस फॉर्म है जिसमें डांस होता है घूमर घूमर ऐसे जो बोलते हैं ना एक अभी मूवी में भी था है ना सो घूमर इज अ डिफरेंट डांस फॉर्म एंड घूमरो इज अ घुमुरा इज अ डिफरेंट डांस फॉर्म ठीक है तो बता सकते घूमर कहाँ का है और घुमुरा कहाँ का है एनी बडी उड़ीसा एब्सोल्यूटली करेक्ट सो घुमरा इज द डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा हवेवर घुमुर कहाँ का है घुमुर घूमर डांस फॉर्म घूमर अगर बोले तो फिर वो हो गया राजस्थान ठीक है घूमर राजस्थान एब्सोल्युटली करेक्ट सो दिस इज हाउ यू कैन रीड द फोक डांस मुंडा इज द फोक डांस ऑफ ये कहा का, एक ट्राइब भी है इस रीजन में मुंडा मुंडा इज ऑल्सो अ ट्राइब फ्रॉम झारखंड ट्राइब एज वेल एज योर डांस फॉम फ्रॉम झारखंड दैट इज योर मुंडा ये एक फोक डांस भी है अब आते हैं एट क्लासिकल डांस फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म तभी आपका क्लासिकल डांस फॉर्म माना जाएगा जब इसे संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त होगा और ऐसे कितने डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म सिर्फ एट क्लासिकल डांस फॉर्म है ठीक है तो जब भी आपको ये डाउट आए कि ये फोक डांस है कि ये क्लासिकल डांस है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्लासिकल डांस फॉर्म तो सिर्फ एट ही है इनको अलग करने से बाकी बचे क्या हो गए फोक डांस हो गए सो क्लासिकल डांस कैसे हम लोग याद रखेंगे शुरू से शुरू करते हैं भारत नट्यम किसको चाहिए था भारत उपाधि तमिलनाडु सो so, भारत नट्यम तमिलनाडु अब देखिए कत्थकली कली मतलब इसका एक और डांस फॉर्म क्या हो जाएगा मोहिनीअत्तम हो जाएगा यहाँ का कली लगा हुआ है तो यहाँ का एक और डांस फॉर्म कौन सा हो गया मोहिनीअत्तम हो गया ठीक है कत्थकली और मोहिनीअतम कौन से स्टेट में एजुकेशन रेशियो ज़्यादा है फीमेल रेशियो ज़्यादा है तो केरला बन गया आंसर अब आइए कथक कथक ठीक है आगे कली नहीं है कथक यूपी और क्या हो गया नॉर्थ इंडिया मणिपुर नाम में छुपा हुआ है मणिपुरी डांस के नाम पे ही मणिपुर छुपा हुआ है ओडिसी के नाम पे उड़ीसा छुपा हुआ है कुचिपुडी कौन सा स्टेट रह गया था आंध्र प्रदेश रह गया था ना तो आप आंध्र प्रदेश के साथ लगा दीजिए कुचिपुडी क्षत्रिय इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम असम का क्लासिकल डांस क्षत्रिया है बिहू नहीं है ये मैंने काफ़ी समय काफी बार बोला अब जाके लोग इसको क्लियरली बोलने लगे हैं नहीं तो आई हैव सीन मेनी पीपल से बिहू इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम जबकि बीहू इज द दा फोक डांस ऑफ असम एंड क्षत्रिया इज द दा क्लासिकल डांस ऑफ आसाम ठीक है नेक्स्ट आइए मोहिनीअतम मोहिनीत्तम ऑलरेडी किसमें हो गया केरला में र दी एक क्लासिकल डांस फॉर्म दैट सेट इसके अलावा बाकी जो भी है वो आपका फोक डांस में आएगा मार्शल डांस फॉर्म में आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स जो आपको पूछा जा सकता है जो बहुत कॉमन है काफी सारा मैंने आपको यहां पर भी ओके okay? जो नॉर्थ सो कॉमन है उसी को आगे बढ़ाते हुए गरबा या आपको जो फोटो में दिख रहा है ये गरबा डांस फॉर्म दिख रहा है गरबा कहाँ का डांस फॉर्म है गुजरात का डांस फॉर्म है गुजरात गरबा ठीक है जी जी गुजुज सो so गरबा ये कब परफॉर्म किया जाता है द डांस फॉर्म जो आपको नवरात्र में गुजरात में परफॉर्म करते हुए दिखता है उसे आप क्या कहते हैं उसे आप गरबा कहते हैं ठीक है गरबा मतलब क्या होता है गर्भ दीप दिया होता है ना तो गर्भ दीप आपका गर्व या फिर गरबा से ताल्लुकात रखता है ठीक है हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं नेट लेट कम टू दांडिया रस आपने दांडिया भी खेलते हुए लोगों को देखा होगा तो डांडिया भी कहाँ पे खेलते हैं? स्टिक्स से लाठियों से खेला जाता है स्टिक्स यूजिंग स्टिक्स सो दांडिया भी कहाँ पे खेला जाता है ये भी आपका गुजरात का ही डांस फॉर्म है और यहाँ पे जैसे दुर्गा और महिषासुर मान लो मॉक फाइट कर रहे हो तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है दांडिया डांस आगे चलते हैं तरंग मेल सुना है इसके बारे में तरंग तोड़ दीजिए नाम को तरंग मेल ठीक है तरंग मेल तो ये सारा तरंग लोग झूम के कहाँ पे डांस कर रहे हैं बिल्कुल तरंग की तरह मतलब किसकी तरह रेनबो देखिए नाम में छुपा हुआ है रेनबो गार्लियांग सांगली सो रांची गोवा ठीक है रेनबो कलरफुल क्लोथ्स पहन के गोवा के बीच में ये लोग डांस कर रहे हैं आई एम जस्ट गिविंग यू द इमेजिनेशन ये आपका दशहरा में ही या फिर होली में इसको फेस्टिवल्स के दौरान मनाया जाता है बट आपको कैसे एग्जाम में याद रहेगा तो आप याद रह सकते रख रख सकते हैं कि तरंग मेल जस्ट लाइक द रेनबो और रेनबो के जैसे कपड़े कलरफुल कपड़े पहन के लोग गोवा के पे क्या कर रहे हैं डांस कर रहे हैं ठीक है परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा होली आई होप आपको ये याद भी रहता जाएगा साथ साथ नेक्स्ट आइए घूमर या फिर उसको और किस नाम से जानते हैं गंगोर के नाम से भी जानते हैं घुमरा नहीं घूम्रा कहां पे था याद कीजिए थोड़ी देर पहले मिला था वो उड़ीसा में था ओके वो उड़ीसा में था ये क्या है ये घूमर है या फिर घंगोर है कहां पे राजस्थान में इसको कौन से ट्राइब के वुमेन इस बार आपने देखा ना जब आपको इसी साल का अगर आपने सीजीएल सी एच एस एल एनाइसिस देखा है सिंपल क्वेश्चन से एक स्टेप आगे भी वो गए हैं जब उन्होंने आपको क्लासिकल डांस पूछा ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एक फैक्ट और याद रखिएगा राजस्थान के अंदर जो भील ट्राइब है भील भील ट्राइब जो है वहां से इस डांस को ओरिजिनेट हुआ माना जाता है घूमर कहां से माना जाता है भील ट्राइब इन राजस्थान तो ये भी यहाँ पे जरूर याद रखिए एक और क्वेश्चन क्या बन सकता था कि भील पे आपका लोकेटेड है तो आंसर राजस्थान और इस फोटोग्राफ में जो डांस फॉर्म आपको दिख रहा है दैट इज योर ठीक है घूमर डांस का नेक्स्ट आते हैं कालबेलिया 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 ठीक है काली बंगन कालीबंगन में काल का मतलब काली का मतलब क्या था ब्लैक मैजिक तो नहीं था ब्लैक बैंगल्स था है ना तो इधर भी ब्लैक कलर से ये काल रिलेटेड होगा तो आप देखिए सब ब्लैक ड्रेसेस में आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे सो वुमेन्स ऑफ कालबेलिया कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी आप कह सकते हो एक ट्राइब जैसा जनजाति आप कह सकते हो बिल्कुल और ये कहाँ पे है ये राजस्थान में है राजस्थान का एक आपका ट्राइब है कालबेलिया और कालबेलिया कम्युनिटी के वुमेन इसे परफॉर्म करती है पिछला वाला मत भूल जाइएगा भील ट्राइब सबसे ज्यादा घूमर को डांस फॉर्म को स्टार्ट करने में कौन है भील ट्राइब तो यहाँ पे कालबेलिया ट्राइब नेक्स्ट आइए डांस मूवमेंट्स आर सिमिलर टू तो दैट ऑफ सरपेंट एक सांप की तरह ये जो शादियों में नागिन डांस करते हैं वो नहीं यहाँ पे ड्रेस से ही आपको पता लग गया होगा दिस इज काइंड ऑफ नॉट लाइक दैट कि ऐसे ही कोई भी डांस कर दे रहा है ऐसा नहीं है ना ये बेटर फॉर्म है नेक्स्ट इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है बीन अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे फ्रेम हो सकता है बीन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से फोक डांस में प्ले होता है आंसर क्या हो जाएगा कालबेलिया डांस में ये मार्कर नहीं इसमें ब्लैक में नहीं दिख रहा होगा कालबेलिया में आपका बीन बजाया जाता है ठीक है नेक्स्ट ये एक यूनेस्को हैज इंस्क्राइब कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ

चर्बेन आई हैं चरबा चरबा कहा का डांस फॉर्म है नॉट टू बी कन्फ्यूज विथ चिरा का था मिजोरम का था ये क्या है चरबा चरबा इज द डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश चरबा कहाँ का डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश अच्छा एक सेकेंड आप इसको चाऊ डांस के साथ भी कंफ्यूज हो सकते हैं चाऊ चाऊ कहा का डांस फॉर्म है चाऊ है झारखंड का नहीं हुआ ऑप्शन में तो उड़ीसा का नहीं हुआ ऑप्शन में तो वेस्ट बंगाल का इन तीनों जगहों पे ही चाऊ डांस को किया जाता है ठीक है सो डोंट कंफ्यूज छबड़ा छिड़ाऊ एंड छाऊ ठीक है छाऊ का मत, मतलब क्या होता है छाऊ छाया धूप छाओ छाया ठीक है सो छाओ झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल मिजोरम एंड चबड़ा इज फॉर हिमाचल प्रदेश आई होप इन तीनों डांस फॉर्म में आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा तीनों को अलग अलग से आप याद रख सकेंगे इसको भी दशहरा के दौरान ही परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश में भंगरा ते तो नहीं बोलने से भी होगा भंगरा सबको पता है भंगरा इज द फोक डांस ऑफ पंजाब देर इज सॉन्ग ना कि मुंडे भंगरा पावे कुड़िया गिद्दा पावे गिद्दा इज द फीमेल काउंटर पार्ट फीमेल जो यहां पे डांस करती है उसको गिद्दा बोला जाता है तो दिस इज ऑल्सो फॉर पंजाब ठीक है और मेल जिस डांस फॉर्म को करते उसे बोलते हैं भंगरा तो भंगरा एंड गिद्दा मेल एंड फीमेल आगे चलते हैं ब्रज रास लीला ब्रज भाषा ब्रज रास लीला तो ब्रज नाम से ही आपको यहाँ पे पता होगा रास लीला नाम से ही आपको पता होगा कि कहां पे हो सकता है मथुरा के आसपास हो सकता है क्या ब्रज रास लीला इज अ पॉप्युलर फोक डांस ऑफ द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी का एक आपका फोक डांस यहां पे है नेक्स्ट आइए दादरा सेमी क्लासिकल फॉर्म इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश ये भी एक आपका सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म है इसको सिर्फ रासलीला भी पूछा जा सकता है सिर्फ रासलीला कहां का है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश रासलीला बेसिकली क्या होता है राधा कृष्ण राधा कृष्ण का आपका भक्ति के जैसा यू कैन से लव स्टोरीज दिस इज रिलेटेड टू रासलीला नेक्स्ट आते हैं जवारा जवारा तो जोवार बजरा वो तो खाने पीने का चीज जवारा इज हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना तो जैसे जोवर, बजरा, आटा मक्का उसी तरीके से जवारा इज हार्वेस्ट फेस्टिवल इन दुंडेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश कहां का है मध्य प्रदेश का है ठीक है इसमें क्या करते हैं देखिए जवार को सिर के ऊपर एक बास्केट में रख के उसको बैलेंस करने का जैसे राजस्थान के अंदर काफी सारे फोक डांस में सिर के ऊपर मटकी मटकी मटका मटकी जो भी आप कहते हैं सो सिर के ऊपर एक पॉट को लेके पॉट कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है आप हरप्पा सिविलाइजेशन से लेके प्रेजेंट डे दे तक देखें तो पॉट्स जो कि स्टोरेज के लिए मल्टीपल पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं तो पॉट्स एक अभिन्न हिस्सा है तो राजस्थान के अंदर काफी सारे फोक डांसेस में पॉट बैलेंसिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर के ऊपर पॉट्स ले लेके धो के आ रहे हैं ठीक है और फिर दुखी दुखी सा चल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए सो हैप्पी हैप्पी बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था तो हैप्पी हैप्पी चले गाना गाते हुए चले फोक सॉन्ग गाते हुए चले फोक डांस करते हुए चले सो दिस कुड बी वन ऑफ दी यू कैन से रीजन बिहाइंड दिस डांसफॉर्म्स दूसरा बैलेंसिंग ऑफ बास्केट फुल ऑफ जोवार हेड पे लेके बैलेंसिंग का ये आपका डांस है डांस फॉर्म नेक्स्ट आते हैं मटकी मटकी का मतलब क्या होता है मटकी का मतलब मटका अभी जो मैं आपको बोल रही थी मटका मटकी है ना तो मटकी का मतलब दिस पॉट पॉट है ना ये पौट. अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि पॉट बैलेंसिंग से रिलेटेड डांस पॉट बैलेंसिंग से रिलेटेड डांस पढ़ लो <laughs> पढ़ लो है ना मालवा रीजन ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग एंड अदर फेस्टिवल तो यहाँ पे वेडिंग से रिलेटेड डांस फॉर्म और ये मेनली सोलो परफॉर्म किया जाता है इसमें सिर के ऊपर एक पॉट को लेके उसे बैलेंस करके डांस करना होता है ओके दिस इज द डांस फॉर्म मटकी फ्रॉम द मालवा रीजन आगे चलते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गौर मरिया अभी थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन मिला था ना कि गौर कहाँ का डांस फॉर्म है तो गौर आपका छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है देखिए अगर ऑप्शन में दोनों हुआ झारखंड छत्तीसगढ़ पहले तो सेम स्टेट आप झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सेम रीजन के आसपास इतना सारा स्टेट जब ये फोक डांस इनिशियली जहां पे जब शुरू हुआ होगा अभी अगर आपको गौर मरिया तो ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा है तो ये एक रिचुअलिटिक रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है ये बिसन आपको ये इस पिक्चर में जो दिख रहा है गौर या फिर बिसन इसका बिसन हॉर्न सिर पे पहन के ये इस फोटो में देखिए ये आपको ये दो हॉर्न दिख रहा है इनके मुकुट पे ये देखिए ये एक हॉर्न ये एक हॉर्न इनके सिर पे भी देखिए हॉर्न इनके सिर पे भी देखिए हॉर्न तो ये बिसन का ये बिसन है ठीक है इसके हॉर्न को निकाल के इसको पहन के ये लोग डांस कर रहे हैं दिस इज द गौर मरिया फेस्टिवल डांस फेस्टिवल फ्रॉम द छत्तीसगढ़ अगेन आपको याद है भील ट्राइब डू यू रिमेंबर भील ट्राइब यस yes. सिमिलरली कौन से किससे रिलेटेड घूमर घूमर घुमरा नहीं घुमुरा कहां से था घुमरा था याद कीजिए उड़ीसा से सिमिलरली हियर इज योर दरिया ट्राइब यहां एक और ट्राइब कौन सा आ गया मरिया मरिया ट्राइब मरिया ट्राइब कहां से है यह छत्तीसगढ़ से है और गौर मरिया डांस फॉर्म के पीछे जो ट्राइब आपका यहां पर आता है वो है मरिया ट्राइब तो एग्जाम में आपने देखा टू थाउजेंड सेवेंटीन में क्या पूछा गया था गौर इज अ डांस फॉर्म ऑफ आंसर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आगे क्या पूछा जा सकता है मरिया ट्राइब कहां से है आंसर छत्तीसगढ़ या फिर बिसोन हॉर्न से कौन सा डांस एसोसिएटेड है आंसर फिर से क्या हो जाएगा गौर मरिया फेस्टिवल ओके आगे चलते हैं एक दो बार रिवीजन से याद हो जाएगा डोंट वरी पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं पर इसी बार से सीजीएल से आपने देखा है कि थोड़ा बहुत डिटेल्स तो आया है अगर आपने सीजीएल एनालिसिस देखा है तो जैसे मेकअप फॉर्म्स के बारे में इस बार आपको पूछा गया था अब आइए अलकप अलकप तो फोटोज देखना इसीलिए नहीं तो आई डो नॉट इंक्लूड सो मेनी फोटोज बट यहां फोटोज से थोड़ा सा याद करना आसान है डांस डांस फॉर्म फॉर्म है। एक रूरल और ये राजमहल हिल्स रीजन में झारखंड में आपका इस डांस को किया जाता है और क्योंकि जैसे कि आपने चौ चिरुआ डांस फॉर्म में देखा था जैसे छाऊ डांस फॉर्म में छाया डांस फॉर्म में देखा था क्या देखा था छाऊ या फिर छाया कि ये बंगाल में भी था और ये झारखंड तक भी गया था और ये पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ तक भी गया था सिमिलरली ये अलकाब डांस फॉर्म भी झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में ही ये डांस फॉर्म आपका मौजूद है ठीक है और गजन फेस्टिवल किस चीज के लिए आप क्या सोचोगे गजन फेस्टिवल है तो गज किसे बोलते हैं हाथी को बोलते हैं आप सोचोगे हाथी से रिलेटेड फेस्टिवल है बट ये ध्यान रखना है कि गजन फेस्टिवल इज अ शिवा फेस्टिवल ओके गजन फेस्टिवल इज गजन फेस्टिवल ऑफ शिवा जबकि गज मतलब क्या होता है हाथी होता है गज का मतलब नेक्स्ट आइए हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट आइए बिरह बिरह की ये भी गाने में ये टर्म भी यूज किया गया है ठीक है बिरह की समथिंग करके देर इज अ सॉन्ग रिलेटेड टू दिस ऑल्सो बिरह मतलब क्या दुख पेन है कि नहीं कितने सारे हिंदी गाने हैं जिसमें ये वर्ड यूज किया गया है तो आपको इतना तो पता है कि ये दुख से रिलेटेड है जहां जहां कोई ट्रिक जैसा बन सकता है you, okay? तो कोई भी गाना याद करो अंताक्षरी जहां पे बिरह वर्ड हो तो इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है दुख होता है ठीक है विदेशिया विदेशिया मतलब जो विदेश में रहते हैं विदेश में रहते हैं विदेशिया ठीक है तो कहां से होगा ये डांस फॉर्म बिहार से होगा इसमें क्या होता है कि विराहा मतलब पेन से ये आपका दुख से ये डांस फॉर्म है गम यहां पे मनासा रही है क्यों क्योंकि द हजेंड इज इन विदेश ठीक है सो दिस डांस फॉर्म बिराहा डांस फॉर्म और विदेशिया डांस फॉर्म इज इन बिहार और यहां पर ऑब्वियसली दिस इज दो यू विल थिंक की फीमेल्स का डांस है बट वॉट इज इंपॉर्टेंट हर इज दिस इज प्रैक्टिस सोलली बाई मेल्स ये मेल का डांस फॉर्म है मेल का डांस फॉर्म है दिस इज प्रैक्टिस सोलली बाई मेल्स ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट आते हैं जज जतिन वेरी इंपॉर्टेंट जज जतिन इज अ डांस फॉर्म ऑफ अच्छा जज जतिन इज अ डांस फॉर्म ऑफ अगेन बिहार रीजन्स ऑफ मिथिलिया अच्छा कोई मुझे क्लास जब स्टार्ट हो रहा था आपने एक डांस फॉर्म के बारे में कुछ एक नाम पूछा था किसी ने समा समा समाचावा ये समा चाकीवा भी मिथिला डांस फॉर्म मिथिला रीजन से ही है ठीक है जत जतिन से समा बांध रहे हैं, तो समा इज ऑल्सो uh, समा चाकीवा इज ऑल्सो रिलेटेड टू मिथिला ठीक है बिहार से तो जत जतिन में क्या होता है इधर भी दोनों क्या कर रहे हैं? थोड़ा झगड़ा जैसा यहाँ पे हो रहा है मतलब

सिमिलरली झूमर इज डिफरेंट घूमर इज डिफरेंट एन घूमरा इज डिफरेंट झूमर कहाँ का डांस फॉर्म है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल डांस फॉर्म है और ये जे फॉर झूमर जे फॉर झारखंड एंड उड़ीसा का डांस फॉर्म है अगर घूमर होता तब क्या होता भिल ट्राइब स्पेशली राजस्थान बाकी राजस्थान भी है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही है ठीक है और घुमरा कहाँ का हो गया था ये याद कीजिए ये उड़ीसा का है तो इसी तरीके से तीन नाम आपको क्या कर सकते हैं कंफ्यूज कर सकते हैं ठीक है परफॉर्म बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा इसके दो वेरिएंट्स होते हैं जननी झूमर जननी जननी जगत रंगीनी तो जननी मतलब क्या होता है वुमेन होता है जो जन्म देती है है ना जो मदर अर्थ होती है अर्थ जो वुमेन होती है जो जन्म देती है जननी एंड मर्दाना झूमर मर्दाना झूमर इज परफॉर्म बाय मेन ओके आगे चलते हैं अब आते हैं झूमर मतलब क्या वेट झूमर घूमर घुमुरा एंड द झूमर ठीक है नाम में डिफरेंस नजर है ये झूमर था और ये क्या है झूमर अब क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे ये ट्राइबल सिख का डांस फॉर्म है ये पंजाब वाले रीजन का डांस फॉर्म है पंजाब और उसके एडजॉइनिंग रीजन का और ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल से ही रिलेटेड है तो आई होप आप इन सारे नामों में कंफ्यूज ना हो और ये आपको थोड़ा बहुत याद रखने का आप कोशिश करें है ना तो इसलिए मैंने चारों को एक साथ लिख दिया है ये थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन ये कुछ बुक्स में है कुछ बुक्स में ये नहीं है तो इस एक लौते स्लाइड में मैं थोड़ा सा ये स्टार लगाऊंगी ठीक है देर इज अ लिटिल बिट ऑफ यू कैन से क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा यहाँ से इस वाले स्लाइड से दिक्कत हो सकता है ठीक है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये स्पेलिंग इतना नहीं देखते कभी कभी झूमर और झूमर को झूमर को एक ही कर दिया जाता है तो उस केस में अगर आपको झारखंड uh,

और ये मेनली पे है ये मेनली उड़ीसा वाले रीजन में है एंड इट द स्टोरी ऑफ शिवा और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे इस डायग्राम में तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जाता है ठीक है इससे क्या होता है इससे सोसाइटी में इससे सोसाइटी में हारमोनी आता है लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं और दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डांस नेक्स्ट बिहू आप सभी लोगों को पता होगा बिहू इज द डांस फॉर्म ऑफ असम और ये ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है एक समय में ये स्टेज में बिल्कुल नहीं परफॉर्म किया जाता था और आज के डेट में जो है ये आपका जैसे कि हर डांस फॉर्म का रिवाइवल होता है तो आज के डेट में ये इस तरीके से ओपनली परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट आते हैं भूत अर्थ ने भूत अर्धने मतलब क्या भूत का वर्शिप कर रहे हैं क्या भूत मतलब तो भूत होता है आराधना कर रहे हैं मतलब आराधना कर रहे हैं वर्शिप कर रहे हैं ये क्या हो रहा है ऐसे मत देखना इस हिसाब से मत देखना ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ डेविल वर्शिप इसमें होता है और ये पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटक का है अच्छा अब की बार कौन सा फोक डांस आएगा सीजीएल में क्या बात है मैंने पेपर सेट किया होता तो मैं बता देती इतना सारा मैं पढ़ाई नहीं रही होती सारा से ज्यादा दो क्वेश्चन करा देती ये दो आएगा करके है ना नेक्स्ट देखो छकियार ठू चक्कीर कुठू ये कहाँ के लिए है ये चक्ू इज फ्रॉम केरला ये सोलो परफॉर्म किया जाता है इसको सोलो परफॉर्म किया जाता है और परफॉर्मर यहां पे स्नेक के जैसा अच्छा स्नेक के जैसा एक और डांस फॉर्म आपने पढ़ा था मुझे जल्दी से नाम बताइए स्नेक के जैसा ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के एक और डांस फॉर्म जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो डांस फॉर्म का नाम क्या था एनीबडी ब्लैक मतलब कल बेलिया कल बेलिया कहां का डांस फॉर्म था राजस्थान का डांस फॉर्म था कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें इस लगता था बीन इंस्ट्रूमेंट इसमें इस लगता था वाई सो इंपॉर्टेंट यूनेस्को यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में 2000 दस दो हजार ग्यारह में फ्रॉम राजस्थान इज सो इंपॉर्टेंट पे ध्यान आ रहा है कि आपका जो क्लासिकल डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म तो सिर्फ एट ही था ना उनमें से कौन सा डांस फॉर्म ऐसा है जो सोलो परफॉर्म किया जाता है आप मुझे सोच के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा क्लासिकल डांस फॉर्म में से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो सोलो परफॉर्म किया जाता है ठीक है मैं आपको हिंट देती हूँ मोह मोह के धागे ठीक है अच्छा बिना वाद्य वगैरह का कैसे डांस करोगे ठीक है ऑप्शन मैंने आपको हिंट मैंने आपको दे दिया आप लोग आंसर इसका कॉमेंट बॉक्स में छोड़िएगा अब आते हैं पता कुनी था पता कुनी था ये कहां का डांस फॉर्म है ये माइसूर रीजन में डांस फॉर्म को सेलिब्रेट किया जाता है और यहां परफॉर्मेंस है बाय मेन हु यूज़ लॉन्ग पोल्स डेकोरेटेड कलरफुल रिबन पता जो आपका मिजोरम का डांस फॉर्म था ना चिराउ उसमें भी बेंबू का यूज किया जाता है पर उसमें लेग्स के पास अगर आप देखेंगे तो बैम्बूस को इस तरीके से प्ले कर करके उसमें ये डांस किया जाता है ठीक है पाई का जो डांस फॉर्म आपने देखा पाई का बिहार का उसमें स्वॉर्ड का यूज किया जाता है स्पियर का उसमें यूज किया जाता है पटा कुता में क्या यूज किया जाता है यहां पे पटा या फिर बैम्बू पोल्स का यूज किया जाता है तो कभी कभी हो सकता है आपको ध्यान देना पड़े कि किधर क्या यूज किया जाता है और अगर डिरेक्टली बैम्बू डांस पूछ ले कि डिरेक्टली नहीं बैंबू डांस ही स्ट्रेट अवे बताओ ये चिड़ाव का आपका डायग्राम है इस तरीके से बैंबू ये देखिए इस तरीके से बैम्बू के बीच में से डांस कर रहे हैं ओके दिस इज द डांस फॉर्म ऑफ चिरा नेक्स्ट आइए धूमल पे धूमल कहां का डांस फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर का डांस फॉर्म है धूमल एक और डांस फॉर्म आज आपने जम्मू एंड कश्मीर का देखा कुट कुट कुड इज अ डांस फॉर्म ऑफ जम्मू ठीक है एक और डांस फॉर्म क्या आपने यहाँ पे देख रहे हैं धूमल इज ऑल्सो अ डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वटल ट्राइब कहां है वटल सो so, वटल सिर्फ बेंबू डांस पूछे तब आपका क्या होगा? सिर्फ बेंबू डांस और कुछ नहीं दिया टिक करेंगे ये नागास का है. अगर सिर्फ बेंबू डांस पूछा तो क्लियर है ये बेंबू यूज किया फॉर वेरियस यू कैन से डांस फॉर्म अलग अलग नाम हो सकता है सिर्फ बेंबू डांस अगर चिर में भी यूज हो रहा था है ना आपने लास्ट डायग्राम में देखा था फिर पटा कुथा में भी यूज हुआ था बैंबू पोल्स बट ओनली बैंबू डांस इज फॉर नागास और इसको रंगमा भी कहा जाता है रंगमा रंगमा भी कहा जाता है ठीक है फुटगी कहाँ का है फुटगी इज फ्रॉम गोवा गोवा का एक और डांस फॉर्म आज के क्लास में आप लोगों ने देखा जहां कलरफुल कपड़े रेनबो की तरह कपड़े पहन के लोग डांस कर रहे थे बीच में ठीक है नेक्स्ट आइए धलकई में दलकई ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है दशहरा के समय में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है अब आते हैं मार्शल फोक डांस में दिस वन स्लाइड आई एम गोइंग टू एंड क्लास विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना इसको डाउनलोड में या फिर इस सेशन को लिख के जरूर रखना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट

किया जाता है इसमें लॉन्ग यूज किया जाता है हालांकि एक चीज ध्यान रखना है पाइका इसके अलावा पार्ट्स ऑफ बिहार में भी है तो पाइका के साथ दो डांस फॉर्म है ठीक है इससे बाहर तो नहीं आएगा बहुत लोग हर एक वीडियो में कहते हैं पर मैं ऐसा किसी वीडियो में नहीं कहती हूं ज्यादातर क्योंकि आ, ये एक्सट्रीम से स्टेटमेंट से व्यूज इंक्रीज करने के लिए हो सकता है ठीक है तो इसके बाहर बिल्कुल नहीं आएगा ये कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता है हालांकि इसमें से मोस्ट ऑफ द आपके इसमें कवर हो जाएगा दैट इज आई कैन से ठीक है तो पाइका किधर है उड़ीसा में और बिहार में पाइका डांस फॉर्म है इसमें स्फियर का यूज किया जाता है और स्पीयर यूज करके इसे डांस को किया जाता है थांता ये 2018 का एसएससी का क्वेश्चन है थांता था डांस फॉर्म कहां से तो ये मणिपुर का डांस फॉर्म है थंगता और थंग का मतलब क्या होता है स्वर्ड चूड़ी ठीक है स्वर्ड मतलब चाकू तो जैसे आप मान लो छोटा हो गया और स्वर्ड क्या हो गया दिस इज लाइक अ तलवार तो स्वर्ड का यूज करके थंग ता डांस को किया जाता है जहां पे थंग मतलब स्वर्ड एंड ता मतलब फिर से क्या हो गया स्फियर ओके नेक्स्ट आइए पदायनी पदायनी कहाँ का डांस फॉर्म है पदायनी बेसिकली एक टेम्पल डांस फॉर्म है केरला वैसे आपको पता होगा भारत भी एक टेम्पल डांस फॉर्म और इनिशियल तो सिर्फ टेम्पल के अंदर ही किया जाता था तो पदायनी इज अ टेम्पल डांस फॉर्म ऑफ केरला इट इज अ मार्शल डांस फॉर्म नेक्स्ट आइए कोलकली डांस फॉर्म पे परिचकली या फिर कोलकली परिचकली तो अगेन द नेम इल्फ कली ट्रिक देखिए यहाँ पे कथकली कली, कथा कली, कोल कली. परिचा कली तो कहाँ का डांस फॉर्म होगा केरला का केरला से थोड़ी देर आगे जाएंगे कहाँ पहुंचेंगे लक्षद्वीप पहुंचेंगे जहां कोल का मतलब है स्टिक एंड परिचा मतलब है शील्ड तो स्टिक और शील्ड से आप इस डांस को याद रख सकते हैं ठीक है तो इस क्लास को जरूर रिवाइज कीजिएगा मैंने एक क्लास स्पेशल क्लास में भी बनाया है स्पेशल क्लास आप सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको देख सकते हैं आप उसको भी देख सकते हैं आई विल सी यू गाइस टूमोरो एट टेन ए एम टेन ए एम को हर दिन आपसे मिलते रहेंगे इन क्लासेस में uh, आपको खुद ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पढ़ाई हो रही है तो आपको यहाँ पे आके टेन ए एम को इन क्लासेस को अटेंड करना है ठीक है सो लेट्स स्टडी टुगेदर एंड लेट्स एक्सेल इन दी एग्जामिनेशन पी डी एफ सभी लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई लाइफ दिस इज अंतरा साइनिंग ऑफ टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ट बाय बाय